हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टाटा ऑटोटेक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा सिग्ना BS6 और BS4 में जो AC होती है उस AC के बारे में, कि AC को किस तरीके से चलाएंगे तो इसकी लंबी लाइफ जो है बनी रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फिल्टर के बारे में और आपको बताऊंगा इसका फिल्टर कहाँ लगता है, उसको टाइम टाइम से साफ करते रहना चाहिए जिससे हमारी AC की जो लाइफ है वो ज़्यादा रहेगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका फिल्टर कहाँ होता है। दोस्तों, इसका जो फिल्टर है वो कंडक्टर साइड में, यानी जहाँ कंडक्टर सीट लगती है उसके सामने एक तो ये टूल है, और टूल के ऊपर आप देख सकते हैं इसमें एक और टूल सा बनाया हुआ है, उसमें एक कारपेट लगा हुआ। कारपेट को हटाएंगे, इसमें ये चार स्क्रू लगे हुए हैं। इन चारों स्क्रूओं को खोलने के बाद ये चीज़ जो है हट जाएगी और इसके नीचे इसका फिल्टर लगा हुआ है। इसको खोल के आप आराम से फिल्टर को निकाल सकते हैं, निकाल के साफ कर सकते हैं। यानी इसको टाइम टाइम से आप फिल्टर को अगर साफ करेंगे तो AC की लाइफ जो है बनी रहेगी और हमारी AC कभी ख़राब नहीं होगी। वैसे आप सभी को पता ही होगा AC का ये कंप्रेसर है, मैं आपको बता दूं। वैसे सब लोगों को ध्यान नहीं होगा कहाँ लगता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता दूं, ये AC का कंप्रेसर है। दूसरी जो मेन चीज़ है दोस्तों, वो है इसको चलाने का तरीका। दोस्तों, हम क्या करते हैं, हमारी AC जैसे मान लो कि ये 3 नंबर 4 नंबर वगैरह पे फैन इसका चल रहा है, AC हमारी ऑन है और हम इसको अनसंट कहीं भी चलाएंगे, यानी चलती गाड़ी में, गाड़ी हाई RPM पे चल रही है और हम AC को ऑन कर देंगे, फैन ऑन कर देंगे। ये तरीका गलत है दोस्तों। गाड़ी को रोक के ही AC को स्टार्ट करें, या फिर गाड़ी रवाना होने से पहले आप AC को स्टार्ट कर लें। इससे क्या होगा, हमारा जो AC का कंप्रेसर है उस पर लोड नहीं पड़ेगा और जल्दी से ख़राब नहीं होगा। दूसरी बात दोस्तों, AC आप जब भी चलाओ तो इसको 2 नंबर पे ही चलाया करो। ये देख सकते हैं, 1 और 2, इसी जगह पर आप इसको चलाएं। अगर आप इसको हाई चलाओगे, ज़्यादा चलाओगे, तो हमारे जो ब्लोवर है, इसका फैन है, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। इसको 2 नंबर पे ही चलाए। ये मैं बता रहा हूँ आपको, टाटा सिग्ना गाड़ी में या आप किसी भी गाड़ी में, मेरे हिसाब से इसको इसी तरीके से AC को चलानी चाहिए। इस बटन का आपको पता ही है, आपको हवा कहाँ चाहिए, आपको पैरों पे हवा चाहिए या फिर आपको बिल्कुल सामने हवा चाहिए, तो इस हिसाब से आप इस बटन से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये दोनों बटन AC के हैं, चालू करने के, ऑन ऑफ, और ये दोनों बटन खाली होते हैं इसमें। और एक ये है कि आपको कितनी ठंडी हवा चाहिए, उस हिसाब से इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो मेन हमारा मकसद था इसमें बताने का कि AC की लंबी लाइफ कैसे रखें, तो आप एक तो मैंने जो फिल्टर बताया उसको टाइम टाइम से साफ करते रहिए, और दूसरा इसको 2 नंबर पे ही चलाएं, यानी फैन को ज़्यादा स्पीड में ना रखें। अगर आप फैन को ज़्यादा स्पीड में रखोगे तो हमारा जो फैन है, ब्लोवर, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। और एक गाड़ी को स्टार्ट करके लो RPM पे ही AC को चालू करें और पंखे को चालू करें, और कोशिश करें कि AC बंद, गाड़ी जब वापस खड़ी हो जाए लो RPM पे ही AC को बंद करें और लो RPM पे ही आप AC को चालू करें। इससे हमारी AC की लाइफ जो है ज़्यादा लंबी बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।